डिनोविली स्कूल में खसरा और रूबेला टीकाकरण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 26 जुलाई को टीकाकरण शुरुआत होगा, लेकिन लायंस क्लब द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन डिनोविली स्कूल में किया गया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रिंसिपल और सुपर्णा चौधरी ने अहम भूमिका निभाई है। So I call upon Mr. Sogdan Murthy to address you. Mr. Sogdan, please. स्कूल में क्या कार्यक्रम था? Actually, the Ministry of Health and Family Welfare is carrying out a campaign against measles and rubella. These are two dreadful diseases, mainly found among the children. So district administration or Lions Club, दोनों को मिला के हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। कल हम लोग का सीनियर सेक्शन का पेरेंट्स आए, मैंने स्टैंडर्ड 6 से लेके 10 जो पेरेंट्स बच्चे लोग का हेल्थ के लिए सोचता है, स्वच्छता के लिए सोचता है, वो लोग एकदम इसके इसमें कोऑपरेट करना है, क्योंकि ये टू मूवमेंट है गवर्नमेंट का तरफ से, कैंपेन है गवर्नमेंट का तरफ से, तो हम लोग इसमें कोऑपरेट करना है पूर्ण रूप से। सो इसमें कुछ डरने का बात नहीं, पहले से भी हम लोग को वैक्सीनेशन मिला हुआ, मैंने स्मॉल पॉक्स वगैरह का, आजकल ऑल ओवर द वर्ल्ड स्मॉल पॉक्स है ही नहीं है, इंडिया में खास करके स्मॉल पॉक्स नहीं है, ऐसा ही दोनों बीमारी हम लोग टोटली हम लोग कितने बच्चे को इस बार आपके स्कूल में पढ़ने के हमारे पास 4000 बच्चा है, लेकिन अभी कितना पेरेंट्स कितना बच्चों को लेके आएगा देखना पड़ेगा, वो पेरेंट्स का ऊपर। धन्यवाद से अली की रिपोर्ट।